पहले रिवाइज कर लीजिए कि आपने सबसे पहली जो चीज स्टडी की थी दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ऑल राइट देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइडल पावर फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज ऐड करवाई थी सॉल्टर्स डक ऑल राइट एंड देन वी स्टडीड द विंड पावर राइट स्टूडेंट right, अब ये चार टाइप तो हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं अभी हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द न्यूक्र पावर अब न्यूक्लियर पावर के लिहाजेंट्स रेडियो एक्टिव किसम का फ्यूल इस्तेमाल होना चाहिए All right, students. अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए जाते हैं इनमें बुनियादी तौर पर काम तो इनका एनर्जी प्रोड्यूस करना है लेकिन जो हम न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं ये पानी को हीटअप करने के लिए इस्तेमाल होता है और पानी को हीटअप करते साथ ही इसमें से जो स्टीम खारिज होती है उस स्टीम को फिर चैनलाइज किया जाता है टर्बाइंस चलाने के लिए और उन टर्बाइंस के साथ वही पुराने वाला मैकेनिज्म जनरेटर्स अटैच होंगे और उन जनरेटर से बिजली बना के फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अब स्टूडेंट्स इस चीज को समझ लें कि न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस करना हमें देखने में तो बड़ा फैसिनेटिंग सा लग रहा होता है लेकिन इसको संभालना इसकी मेंटेनेंस ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का सेंसिटिव काम है अब इसमें अगर एक वाक्य आपके लिए कोट कर दून 1986 में रशिया के अंदर के पे पे वहां पे इनका एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन था जिसका एक ब्लॉक सिर्फ एक हिस्सा उसका जो है वहां से इरप्शन स्टार्ट हुई और वहां से न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो जाके आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन में भी डिटेक्ट होना शुरू हो गई अब मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो उस रशियन एरिया को यूक्रेन के हवाले कर दिया गया है या ये उसका हिस्सा बन चुका हुआ है लेकिन स्टिल अभी भी जो सयाह वहां पे जाते हैं पहले तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है प्रॉपरली फिर भी अगर वो वहां पे एंटर होते हैं तो वहां पे रेडिएशन की जबरदस्त किस्म की इंटेंसिटी उनको फील करने को मिलती है इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन की जो एवरेज लाइफ थर्टी ईयर्स बताई जाती है उन तीस सालों के अंदर तो वो सेंसिटिव है ही है लेकिन उसके बाद भी उसको मेंटेन करना और वहां से रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जो रिलीज हो रहे हैं और उसके साथ ही साथ वो जो खतरनाक गैसेस रिलीज की जाती हैं इसके लिए भी स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि वो गैसेस जो उस पावर स्टेशन में से प्रोड्यूस होती हैं उन गैसेस का फ्लो बड़े तरीके से मेंटेन किया जाता है इवन के किसी दिन अगर हवा का फ्लो आबादियों की तरफ हो तो उनको वहां पर उस वक्त रिलीज नहीं किया जाएगा अगर इस चीज का अंदाजा हो कि उस वक्त हवा का फ्लो किसी दूसरे ऐसे एरिया में है कि जहां पे इंसानी आबादी नहीं है तो फिर उस दिन उन एक्स्ट्रा गैसेस को या वेस्ट गैसेस को रिलीज कर दिया जाता है इनटू द एनवायरनमेंट ऑलराइट लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो चूंकि जमीन तो हर वक्त घूम रही है हवा भी हर वक्त फ्लो में है तो किसी सूरत भी ये इंसानों के लिए फायदा नहीं है बेशक वो इस चीज के या इन चीजों को रेगुलेट कर भी रहे हैं तमाम किस्म की एहतियातें भी मद्देनजर रखी जा रही हैं लेकिन उसके बावजूद अगर खुदा ना खासा न्यूक्लियर पोल्यूशन फैलती है तो उसकी वजह से इर्द गिर्द के माहौल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं right, तो एक तो यह पहले ही महंगा रिसोर्स है और दूसरे नंबर पर फिर यह कि जो वो नेचुरल ओर वगैरह जो हमें मिल रहे थे यूरनियम वगैरह के उनको रिफाइन करने में और फिर उनको इस्तेमाल करने में जो एक्सपेंसिस आ रहे हैं उस लिहाज से और हमारा जो फोकस है मेन कि माहौलियाती एबार तो से ये कतन इतना कोई यूजफुल प्रोसेस नहीं है तो हमें स्टिल इसकी बजाय किसी और अल्टरनेट वे को इख्तियार कर लेना चाहिए तो उस अल्टरनेट वे के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं द फर्स्ट वन इज नॉन एज द जियो थर्मल एनर्जी स्टूडेंट्स अगर आप इस लफ्स के ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा हो रहा है जियो एनर्जी इसका मतलब यह है कि जमीन के अंदर हीट की एनर्जी भी मौजूद है तो आपको इस बात का भी अंदाजा होना चाहिए कि जमीन है क्या सूरज से अलहदा हुआ हुआ एक टुकड़ा है जिसका कोर अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है अब अगर हम किसी जगह पे वॉल्नोज वगैरह को देखते हैं या हॉट स्प्रिंग्स अगर आपने देखे हो गर्म पानियों के चश्मे या सुने हो और इसी तरह अंडरग्राउंड गीजर्स का नाम कभी सुना हो तो इस चीज का बखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो जमीन के कोर में हीट है वो किसी ना किसी फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और स्टूडेंट्स इस टेक्निकली अगर इस एनर्जी की हार्डनेसिंग की हम बात करें तो इस चीज को समझिएगा कि जो कोर ऑफ द अर्थ पे हॉट लावा मौजूद है उस लावा से निकलती हुई हीट जब ऊपर की जानब को मूव करती है तो वहां पे आपके पानी की लेयर्स मौजूद हैं अब वो जो वाटर है जब किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्म होगा तो स्टीम की सूरत में सतह के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है ऑलराइट right? तो वो जो स्टीम या ड्राई हीट जिसे हम कहते हैं जब बाहर निकल रही होती है तो उसको किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है कि कहीं हम कुदरती जराए का जिया ना कर दें तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या किया जाता है कि बहुत सारे ममालिक ने अपने पास जियोथर्मल पावर स्टेशन बनाना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी right, आपकी किताब में न्यूजीलैंड और आइसलैंड वगैरह का जिक्र किया गया है लेकिन बहुत सारे और ममालिक भी हैं कि जिन्होंने प्रॉपरली अब इस चीज को एक अल्टरनेट या एक आर्टिफिशियल वे में भी चलाना शुरू कर दिया है कि जमीन की हीट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पानी को गर्म किया जाता है स्टीम बनाई जाती है और फिर उस स्टीम से अपनी टर्बाइन और जनरेटर चला लिए जाते हैं तो ये वाले जो पावर जनरेटर्स हैं इनको हम कहेंगे दीज आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स That is inexhaustible क्योंकि जमीन अभी तक अगर इतने लाख साल गुजर जाने के बाद भी दरमियान में से गर्म है और वॉलोस की सूरत में कहीं ना कहीं निकलती हुई भी उसकी हीट नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि इसको हम इनएजॉस्टेबल सोर्स में शामिल कर सकते हैं इससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हारनेस की जा सकती है लेकिन जहां पर इसके फवाद हैं वहां पर इसके नुकसान भी हैं स्टूडेंट एक तो इसमें से निकलती हुई ऑक्साइड्स वगैरह जो सल्फर ऑक्साइड स्पेशली जिसमें बहुत ज्यादा खतरनाक है और फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है चूंकि ये वाले रीजन जो है ये इंसानी आबादियों से काफी फासले पे मौजूद होते हैं तो इस वजह से इनको हार्नेस करने के लिए या तो प्लांट्स वहां पे लगाए जाए या फिर इनमें से निकलती हुई स्टीम जो है उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इतने लंबे डिस्टेंस के बाद जो इसकी एनर्जी की एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो सकती है ऑलराइट स्टूडेंट्स right, हमारे जो मकसद वाली या हमारे फोकस वाली चीज है वो ये है कि इस एनर्जी को इस्तेमाल जरूर किया जाए लेकिन माहौल को नुकसान कम से कम पहुंचाया जाए ऑल राइट स्टूडेंट्स फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट और इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं दिस इज सॉलिड वेस्ट और मैं इसको कहूंगा सॉलिड वेस्ट पावर ऑल राइट अब ये जो सॉलिड वेस्ट पॉवर की टर्म स्टूडेंट्स यहां पे इस्तेमाल की गई है ये मैंने जानबूझ के यहां पे लफ्ज लिखा है क्योंकि अगर हम गौर करें तो वो चीजें जिसे हम कूड़ा क्रिकेट समझ के कचरा समझ के फेंक देते हैं कुछ सोचने समझने वाले इंसानों ने उससे भी एनर्जी बनाने का तरीका निकाल लिया अब पहले नंबर पे तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी है कंपोस्ट वगैरह अगर बना ली जाए या इसमें से जो बाद में स्लरी वगैरह निकलती है उसको हम ऑर्गेनिक मेन्यूर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में लेकिन इसकी जो अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक है उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि बुनियादी तौर पर है तो ये सारे का सारा वेस्ट लेकिन या तो इसकी हाइड्रोजनेशन की जाएगी ऑलराइट राइट right. या फिर एक और टर्म यहां पर हम लिख रहे हैं दैर इज फरॉलिस कि इसकी थर्मल ब्रेक डाउन की जाए अब स्टूडेंट्स इसका भी सारे का सारा मैकेनिज्म अगर इसका ओवरव्यू हम देखना चाहें तो समझिएगा कि लकड़ियां या घास या पौधे वगैरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं इसी तरह कुछ ऐसा कूड़ा क्रिकेट वगैरह या जो कागजों से बने अखबार या पुरानी किताबें या और शॉपिंग बैग्स वगैरह हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये सारे के सारे कचरे को उठा के तो बड़े से प्लांट में डाल दिया जाता है अब वहां पे पहले इसमें से मॉइस्चर रिमूव किया जाता है फिर इसमें से गैसिफिकेशन का एक अमल किया जाता है फिर उसके बाद इसको हीट दे के तो हाइड्रोजनेशन और पेरासिस के अमल से गुजारा जाता है अब स्टूडेंट्स इस दौरान क्या हो रहा है वो हीट जो जनरेट हो रही है उस हीट को फिर फर्दर टर्बाइन और जनरेटर चलाने में इस्तेमाल कर लिया जाएगा फिर इसी तरह बाजात यह भी देखा गया है कि ये जो वेस्ट है इसको बड़े बड़े टैंकर्स में डाल के कई कई दिन तक रख छोड़ा जाता है ताकि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इसमें से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो सके और फिर उस गैस को इस्तेमाल किया जाए पानी को गर्म करने के लिए स्टीम बनाने के लिए और फिर उस स्टीम से टर्बाइन चलाई जाए और पावर जनरेशन में इस्तेमाल हो सके तो ये जो टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स इसको हम यूं कह सकते हैं कि आपके लिए जो चीज़ें बेकार थी इकोलॉजी वालों ने या एनवामेंटलिस्ट ने उसको भी इस्तेमाल करने के और प्रोडक्टिव बनाने के काबिल बना दिया है और इसकी मदद से स्टूडेंट्स कई घरों को बल्कि एक महदूद शहरी आबादी को भी आराम से बिजली की जरूरत से आरास्ता किया जा सकता है उनकी जरूरियात को पूरा किया जा सकता है तो आप लोग भी ये चीज समझ लें बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चरिस्ट अब ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जिन्होंने अपने ट्यूब चलाने के लिए इस एनर्जी पे अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है तो बिजली के बिल भी कम होंगे और साथ ही साथ जो कूड़ा क्रिकेट वगैरह है वो भी डिकम्पोज होगा और खेतों के लिए आपको मसनू खाद भी मुयसर होगी इस्तेमाल किया जा सकता है तो फवाद इसके बहुत ज्यादा है नुकसान इसके ना होने के बराबर हैं तो इस वजह से अगर हम अपने आप को ग्रीन एनर्जी या ग्रीन फ्यूल्स वगैरह पे कन्वर्ट करेंगे तो यकीन हम फॉसिल फ्यूल्स को जया होने से बचा सकते हैं ऑलराइट स्टूडेंट्स फिर इसी तरह एक और तरीकाकार जो आपकी किताब में यहां पर डिस्कस किया गया है इट इज अबाउट द ओशन थर्मल ग्रेडियंट ओशन थर्मल ग्रेडियंट स्टूडेंट्स अगर इन्हीं अल्फाज के ऊपर आप गौर करें तो हमें अंदाजा हो रहा है समंदर के टेम्परेचर में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आने की वजह से एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया ग्रेडियंट किस तरह से डेवलप होता है इसको अभी देखते हैं अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सरफेस के ऊपर टेम्परेचर है 25 फाइव डिग्री सेल्सियस ऑल राइट और बॉटम की अगर हम बात करें तो यहां पे टेम्परेचर है ऑलमोस्ट फोर टू फाइव डिग्री सेल्सियस अब अगर आप गौर करें इन्हीं दो फिगर्स के ऊपर तो हमें पता चल रहा है कि सतह के ऊपर दर्जा हरारत ज्यादा है पानी जल्दी अवैपोरेट हो सकता है इसी चीज को एनहेंस कर लिया गया अवेपोरेटर अवेपरेटर्स लगा लगाने की वजह से क्या होगा कि जो पानी पहले ही कंपेरेटिवली हॉट नजर आ रहा है उस पानी में से पानी फटाफट अवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा यह बुखार जो ऊपर की जानेब को उठेंगे इनको टर्बाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके पीछे जो जनरेटर है टरबाइन के चलने से वो बिजली पैदा करना शुरू कर देगा अब देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा कार लग रहा है है मैकेनिज्म, लेकिन स्टूडेंट समझने वाली बात कि जब इस प्लांट की इंप्लीमेंटेशन चल रही होगी किसी जगह पे तो वहां पे मौजूद जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी तो इस चीज के हवाले से फायदा तो जरूर है लेकिन इस चीज के खतरा भी हैं कि कहीं इस इंसानी कार्रवाई की वजह से वहाँ पर मौजूद बाकी जो वाइल्ड लाइफ है या जो मेरीन लाइफ है वो मुतासर ना होना शुरू हो जाए ऑल राइट स्टूडेंट्स तो इस पॉइंट पर भी जरूर गौर कीजिएगा कि हम सिर्फ कहीं अपने फायदे की खातिर बाकी सारे के सारे लाइफ को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी बात और वो ये कि इन तमाम चीज़ों के लिए हम अगर समराइज करना चाहें कुछ पॉइंट्स को तो किस तरह से लिखेंगे सबसे पहली एक ही बात एंड इज कंजर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स। यानी इन तमाम वसायल को जाया होने से बचाया जाए अब इन सारे वसायल को अगर हम जाया होने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है वी हैव टू चेंज आर सेल्स हम पानी तो नहीं कहीं जरूरत से ज्यादा जाया कर रहे हम कहीं अपने घरों में आने वाली गैस को तो जरूरत से ज्यादा जाया नहीं कर रहे कहीं बिजली तो इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रही कि कहीं पे लाइट्स बहुत ज़्यादा लगा दी गई हैं लेकिन वहां पे ज़रूरत कम है या किसी घर में अगर अफराद कम है उसके बावजूद वहां पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग कर दी जाती है इसी तरह अगर गर्मियों की हम बात करें तो एयर कूलर और रेफ्रिजरेटर्स वग़ैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसी तरह जो एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपने चलता ही छोड़ दिया है और फिर उसके बाद किसी को उसका ख्याल नहीं रहा और फॉसिल फ्यूल्स में अगर ऑटोमोबाइल्स वगैरह की हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स अक्सर ये देखने को मिलता है कि बाज़ात एक ही जगह पे चार चार पाँच पाँच किस्म की व्हीकल्स इस्तेमाल हो रही होती हैं एक घर में बहुत ज़्यादा गाड़ियां इस्तेमाल हो रही होती हैं तो उस चीज़ को उनको रखना इट इज़ बैड थिंग लेकिन अगर हमारे पास वसाइल की कमी हो रही है और हमें इस चीज़ का खुदा खासा ख़तरा है कि कहीं हमारी आने वाली नस्लें इन आसाइशों को हासिल ना कर सकें तो फिर ज्यादा सोचने वाली चीज है कि इसलिए हम अभी से अगर कुछ अकदार को अपना लें कि जैसे बहुत सारे मगरबी ममालिक बहुत ज्यादा सिविलाइज नेशन ने कुछ चीजें अपना ली हैं कि ऑटोमोबील्स वगैरह को इग्नोर करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इस्तेमाल की जाए इसी तरह कोई ना कोई दिन ऐसा रख लिया जाए कि जिस दिन एटलीस्ट हम अपने घरों में मौजूद गाड़ियों को इस्तेमाल ना करें या कोई दिन ऐसा रख लिया जाए कि जिस दिन हम ये अहद कर लें कि उस दिन हम कम से कम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को जलाएंगे या इनका इस्तेमाल जो है उसका जरूर ख्याल रखेंगे तो इन सब चीज़ों पर खुद भी गौर करें दूसरों में भी ये अवेयरनेस फैलाएं फिर तआला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी